नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का, जो आता ही आता है। ठीक है, आराम से करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर, मतलब रेसिप्रोकल टू अदर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सबसे पहले देखो कैसे करके ध्यान से, हमेशा याद रखना कि जब भी इस इक्वेशन क्या दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जब और इसके रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल, तो इसके दो रूट्स होंगे, लेट्स लेट्स रूट्स बी, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अब वो क्या कह रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर मैं अल्फा को अल्फा मानता हूं तो बीटा क्या हो जाएगा, वो वन अपॉन अल्फा हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर, अगर पहला रूट अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं? जब भी ऐसा दिया हो तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, अल्फा बीटा, और इसको क्या लिखता है, सी अपॉन ए। तो जब भी रेसिप्रोकल की कंडीशन आए, क्या कहा मैंने कि जब भी रेसिप्रोकल की कंडीशन आए तो इस पे हमें काम नहीं करना है, इस पे हमें काम नहीं करना है, हमें किस पे काम करना है, डायरेक्ट इस पे काम करना है। ठीक है, तो अब यहां देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला आपको, देखो तो यहां पे कितना है, अल्फा, अल्फा की जगह तो अल्फा है, और बीटा की जगह वन अपॉन अल्फा, और यह कट के कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए, तो इससे ये कट गया, तो क्या आया, वन इक्वल टू ए अपॉन सी, तो यहां से ए इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो ए इक्वल टू सी। अब देखो ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब भी रेसिप्रोकल रूट्स आए, क्या था मैंने, जब भी रेसिप्रोकल रूट्स आए तो आपको हमेशा एक्स स्क्वायर, जैसे इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो होगा, यहां तो ए है तो ए ही लिखा, और जो कॉन्स्टेंट का कोफिशियंट होगा वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, डायरेक्ट पुट कर दो आंसर आ जाएगा, मतलब ए को सी के इक्वल कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल लिखा हो, इस पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन करता हूं, ये तो स्टैंडर्ड था, ड्राइव था, डेरिवेशन करवा दिया मैंने। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से, नोट डाउन करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जैसे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जितनी बार बताई मैंने उनको कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, तभी आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, एक साल तक याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है, ये पॉलिनोमियल में भी आ सकता है या क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है, दोनों का तरीका सेम है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू अदर। सबसे पहले करेंगे कैसे, जो हमारी इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, 3x² - 10x + k = 0, इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0 से, a की जगह कितना है, a इक्वल टू 3, b की जगह कितना लिखा है, साइन के साथ -10, और c की जगह कितना लिखा हुआ है, k। अब क्या कह रहा है, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो क्या करेंगे हम, लेट्स लेट्स रूट रूट बी अल्फा एंड बीटा, रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा को मैंने अल्फा माना तो बीटा कितना हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, क्यों, क्योंकि रूट क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा उसका उल्टा होगा, मतलब वन अपॉन अल्फा, यहां तक क्लियर है। अब देखो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, लेकिन यहां पे अल्फा कितना है मेरा, अल्फा अल्फा है, और बीटा कितना है, वन अपॉन अल्फा, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, मतलब माइनस का और माइनस का 10/3। तो देखो इसको सोल्व करके कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें के नहीं आ रहा है, तो जब के आ ही नहीं रहा है तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर बोले तो कभी भी सम ऑफ रूट्स वाला फार्मूला मत लगाओ, पॉइंट डाल के अपनी कॉपी में, जहां पे आप सोल्व कर रहे हो वहां पे नोट डाल के ये पॉइंट लिख लेना जो मैंने आपको बताया, वरना एग्जाम में करते रहोगे उलझ जाओगे। आई बात समझ में, तो क्या करना है, हमेशा लगाओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट,
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, ये होता है मेरा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा की जगह कितना है अल्फा, और बीटा की जगह कितना है वन अपॉन अल्फा, तो और सी कितना है, यहां से देखो सी है के और ए कितना है थ्री, तो यहां से देखो अल्फा से अल्फा कट गया, बिल्कुल कट गया, तो यहां से कितना आ रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं देखो ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं, तो वन इज इक्वल टू के अपॉन थ्री, और ये वन खा जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो वन इंटू थ्री इक्वल टू के, तो अल्टीमेट के कितना आ गया के इक्वल टू थ्री। आई बात समझ में, क्या समझाना चाह रहा था, समझ में आया कि जब भी रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर बोले तो कभी भी सम ऑफ रूट्स का फार्मूला नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये दोनों आपस में कट जाएंगे। एक नंबर का अगर डायरेक्ट चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ध्यान से देखो, जब भी रूट्स रेसिप्रोकल बोले तो जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट और जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोएफिशिएंट, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, हमेशा इनको दोनों को आपस में इक्वल कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट आया ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये विद इन एमसीक्यू में चुटकियों में करने का तरीका है, और ये पूरा तरीका है लॉन्ग प्रोसेस में, अगर लॉन्ग में पूछे आपसे एक नंबर में दो नंबर में कि करके दिखाओ, तब ऐसे करके दिखाना है। समझ में आया, अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई स्टेप ना समझ में आया तो दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो, अच्छे से क्लियर है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, आप लोग देखते हो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, बड़ा अफसोस होता है कि कहीं कहां कमी रह गई, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे तो इससे होगा क्या, आप कमेंट करके बताओगे तो इससे हौसला आएगा और मजा आएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छे बनाने में। वैसे भी आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम डेडिकेशन से करता हूं, लेकिन एक थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। आई बात समझ में, तो नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है, एक नंबर का फेवरेट एग्जामिनर का, क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, k माइनस वन का वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, ए कितना आएगा, ए इक्वल टू पूरा, देखो इस एक्स से ई एक्स स्क्वायर कट गया, तो ए के सामने कितना लिखा है पूरा के माइनस वन, सेम बी कितना आएगा, बी इक्वल टू इस एक्स से ई एक्स कट गया, बी के सामने कितना लिखा है साइन के साथ माइनस टेन, सिमिलरली सी के सामने कितना लिखा है सी इक्वल टू थ्री। अब क्या कह रहा है, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो देखो इसके दो रूट्स हो गए, तो लेट्स रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, रूट्स मैंने क्या मान लिए अल्फा एंड बीटा, और मैंने माना लेट्स अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू वन अपॉन अल्फा, ये चीज कितने लोगों को समझ में आई और नहीं आई। अब देखो ध्यान से क्यों, क्या कह रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब अगर एक को अल्फा लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली वन अपॉन अल्फा हो जाएगा, वन अपॉन बीटा मत करना फिर तो अलग अलग हो जाएंगे, दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर अल्फा को मैंने अल्फा माना तो बीटा क्या हो जाएगा वन अपॉन अल्फा। अब देखो हमें पता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा मैंने क्या माना था, अल्फा को मैंने अल्फा माना और बीटा को क्या माना वन अपॉन अल्फा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब इसको देखो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, तो कभी भी सम ऑफ रूट्स की जब ऐसे कहे कि वन रूट्स इज रेसिप्रोकल टू अदर, मैंने क्या कहा ध्यान डाल के अभी पॉइंट डाल के लिख लेना कि जब भी बोले वन रूट्स इज रेसिप्रोकल टू अदर तो कभी भी इस पे काम नहीं करना है, हमें इस पे काम नहीं करना है, जब भी ऐसा बोले वन रूट्स इज रेसिप्रोकल टू अदर हमें इस पे काम नहीं करना है, हमें किस पे काम करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, डायरेक्ट किस पे काम करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, और ये कितना होता है सी अपॉन ए, यहां तक समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है अल्फा बीटा और इसको क्या लिखते हैं सी अपॉन ए। अब ध्यान से देखो, अब अल्फा की जगह तो मैंने अल्फा लिख दिया, अल्फा की जगह तो अल्फा लिख दिया और बीटा की जगह क्या लिखूंगा वन अपॉन अल्फा, और सी कितना है यहां से देखो थ्री और ए कितना है के माइनस वन, तो यहां से क्या होगा अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या आ जाएगा वन इक्वल टू थ्री अपॉन के माइनस वन। अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा के माइनस वन इक्वल टू थ्री, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा के इक्वल टू थ्री प्लस वन, इस वन को उठा के मैं उधर ले गया तो यहां से अल्टीमेट के कितना आ गया के इक्वल टू फोर। आया समझ में, ऐसे करना है, मतलब जब भी हमें रेसिप्रोकल रूट्स बोले क्या कहा मैंने
जब भी रेसिप्रोकल रूट्स बोले तो इन दोनों को बराबर कर दो, मतलब इस थ्री को इसके इक्वल लिख दो, के माइनस वन के, हमेशा यूनिवर्सल है ये, कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा आपका, कि जब भी रेसिप्रोकल रूट्स बोले तो ए का कोएफिशिएंट और सी का कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं। हमेशा नोट डाउन करके लिख लेना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है और पूछता ही पूछता है, ठीक है। अच्छे से देखो, जो चीज ना समझ में आई तो दोबारा से वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझना, पॉइंट बना के लिख लेना जो बातें मैंने वीडियो में बताई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए उसका तुरंत आपको पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।